नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। दो बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे, हस्तरेखा में एक वलय और एक बेहद अच्छी रेखा जो दिखाती है कि व्यक्ति बड़ी ऊंचाई तक पहुंचेगा, थोड़ा मोड़ा ऊंचाई नहीं, बेहद ऊंचाई तक पहुंचेगा और सभी प्रकार के सुख। धन की बात करें, धन का अथाह धन, मिलेनियर जिसे कहा जाता है। दो ऐसी रेखाओं के बारे में बात करेंगे, एक वलय के बारे में बात करेंगे और एक रेखा के बारे में बात करेंगे। अगर ये रेखाएं हैं तो मैं ये कहूँगा कि 99% नहीं, 100% जो है, भले आप किसी भी स्थिति में आज हों, आने वाले समय में एक अच्छा मुकाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा मुकाम जिसे कहते हैं, लघु वीडियो है। आप सभी जानते हैं कि हफ्ते में एक बार जो है हस्तरेखा पर एक लघु वीडियो भेजते हैं और कुछ अलग जानकारी। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। देखिए, दो तीन पॉइंट हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अंगूठा, ये आप सब अंगूठा आप सब जान रहे हैं, थंब जिसे कहा जाता है, ठीक है। पहला बिंदु, अगर ये हिस्सा लंबा है, दो पार्ट में बटा होता है अंगूठा, ठीक है। अगर ये हिस्सा छोटा है और ये हिस्सा लंबा है, जहां से अंगूठा आपका मुड़े, ठीक है। अगर ये हिस्सा लंबा है, इस पे जौ का साइन, जौ का साइन मतलब इस टाइप से बनता है, ये जौ का साइन हो गया। अगर इसके ऊपर जौ का साइन है, मान लीजिए जौ का साइन नहीं है तो इसका भी विकल्प है। ये मान लीजिए यहां पर जो है जौ का साइन नहीं है, आपके जो है रेखाएं हैं। अगर यहां पर दो या तीन रेखा है, अगर चार हैं तो बहुत ही अच्छा है, या फिर जौ का साइन है, ठीक है। अंगूठे का ये हिस्सा जो है आपका लंबा है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा एक जगह पे मिली है। देखिए, ये सारे जो मैं चीज बता रहा हूँ, छोटी मोटी चीज नहीं है, कम हाथों में मिलेगी। जो भी मैं बिंदु बता रहा हूँ, सारे बिंदु जो है लगभग लगभग होने चाहिए। ये लंबा, यहाँ पर जौ का साइन या तीन से चार रेखाएं हैं। मान लीजिए नहीं है जौ का साइन तो तीन से चार रेखाएं हैं, ये हिस्सा आपका मिला हुआ है, ठीक है। एक रेखा मंगल क्षेत्र से गुरु के क्षेत्र पे जा रही हो, एक रेखा मंगल क्षेत्र से गुरु के क्षेत्र में जा रही हो, एक महीन सी रेखा गुरु के क्षेत्र से नीचे की तरफ, ठीक है, एक महीन रेखा गुरु के क्षेत्र पे नीचे की तरफ जो है इस रेखा से मिली हो, ठीक है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो और एक बुध की रेखा हो, बुध रेखा स्वास्थ्य रेखा जो भी कह लीजिए आप। अगर ये रेखाएं हैं तो ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं, ऐसे लोगों को 10-20 हजार लोग नहीं जानते, ऐसे लोगों को हजारों लोग जानते हैं और कहीं कहीं कुछ अवस्थाओं में तो लाखों लोग जानते हैं। देश दुनिया में ऐसे लोग कहीं ना कहीं काम करते हैं, देश में भी काम कर सकते हैं, विदेशों में भी काम कर सकते हैं, विदेशों तक ये ऐसे लोग काम करते हैं। और 10-20-50 हजार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लोग बेहद ज़्यादा लोग जानते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये बुद्ध की उंगली और गुरु की उंगली पतली हो, ऊपर से बुद्ध की उंगली और गुरु की उंगली पतली हो, ठीक है। ऐसे लोग समाज के लिए कुछ बड़ा करते हैं, समाज के लिए कहीं ना कहीं समाज के बारे में सोचते हैं सीधी नज़रों से, ये नहीं कि टेढ़ी नज़रों से कि समाज के बारे में सोच रहे हैं उससे हमको कुछ लेना है। निस्वार्थ रूप से ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं जो निचले तबके के लिए, जो उसके फायदे के लिए। व्यवसाय भी बड़ा करते हैं, अगर व्यवसाय करेंगे तो वो बड़ा होगा, नहीं तो संत साधु बड़े स्तर के और सच्चे साधु, ठीक है, संत या साधु बड़े स्तर के समाज से जुड़ के सामाजिक कार्यों को ये दिखाता है। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे लोगों का जीवन ही समाज के लिए होता है, ये समर्पित होते हैं समाज के लिए। धन तो आएगा ही आएगा, बुद्ध गुरु ये रेखा जो निकल रही है इसके कारण धन आएगा ही आएगा, भले वो नीम के नीचे बैठे, भले वो नाम आम के पेड़ के नीचे बैठे, धन आना एक अलग हो गया, धन का सही दिशा में लगाना एक अलग हो गया। ऐसे लोग बेहद पैसे वाले भी कह लो या सामान्य शब्दों में अच्छे होते हैं,
कहीं ना कहीं लोगों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और कितना भी बड़े हो जाएं उनका रहना रंग ढंग आप जो देखेंगे बिल्कुल सामान्य होगा। आप कह नहीं सकते कि ये व्यक्ति इतना बड़ा होगा या इसका व्यक्ति का इतना नाम होगा, पहली नज़र में तो नहीं पहचान सकते। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, अंगूठे का ये क्षेत्र लंबा हो, अगर यह है तो ठीक है, नहीं तो 3 से 4 रेखाएँ हों। एक रेखा आपकी जो है गुरु पर्वत पर जाए, उससे एक महीन सी रेखा उससे नीचे की तरफ निकले, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, कटीपटी ना हो। एक रेखा ये निकले, बुध की उंगली, गुरु की उंगली और शुक्र का अंगूठा ऊपर से पतला हो। दूसरा बिंदु, अब बहुत बार आपने बात आती है वलय की, वलय पे तो इतने बिंदु हैं कि इस पे पूरा एक या दो तीन वीडियो बन जाए, कम से कम 2 से 3 वीडियो बन जाए। फिर भी एक बिंदु में बात बताता हूं आपको, ये वलय है, अगर ये आपके हाथ में है और हाथ पतला है, हाथ ये जो है पतला है, हाथ पे हल्का सा कालापन है, लालपन छोड़ दीजिए, ठीक है, लालपन नहीं है या सुर्ख गुलाबी हाथ नहीं है, कालापन हाथ में है, हाथ ये पतला है, तो ऐसे में कहा जाएगा इस वलय का किसी भी प्रकार से कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। पहला बिंदु, वलय अगर टूट रहा है तो ये वलय नहीं कहलाएगा, ये नुकसान की रेखा केवल कहलाएगी और कुछ नहीं, केवल नुकसान की रेखा कहलाएगी। अगर वलय बना है और चंद्र क्षेत्र आपका सीधा है, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा अगर आपका मान लीजिए चंद्र का क्षेत्र है, ये आपका सीधा आ रहा है, तो भी ये कहा जाएगा इस वलय का इतना फायदा आपको नहीं मिलेगा। चंद्रमा के क्षेत्र पे किसी प्रकार का जो है स्टार बन रहा हो, या चंद्रमा के क्षेत्र पे जो है स्टार बने, या किसी प्रकार का दाग धब्बा बन रहा हो और उसमें से रेखाएं जाएं, तो भी कहा जाएगा वलय नहीं काम करेगा, ये वलय जो है नुकसान देगा। अगर यहाँ पर स्टार का साइन है, हाथ आपका जो है सीधा है, इस जगह पे वलय बन रहा है और हाथ आपका पतला है, तो ऐसे में ये कहा जाएगा इस वलय का आपको लाभ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं शरीर और दुर्बल होगा, बहुत लंबे समय तक ऐसे लोग काम नहीं कर पाते हैं, मतलब जो भी जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो, बहुत समय तक ऐसे लोग काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों का मेन दिक्कत जो है अपने शरीर को लेके, दूसरी दिक्कत ऐसे लोगों को होती है कि सोचते बहुत ज़्यादा हैं और नेगेटिव सोचेंगे, कोई काम सामने आएगा तो ये तो मैं तो कर ही नहीं सकता, कैसे होगा, ये स्थितियों को पैदा करता है, अच्छा नहीं कहलाता है। अगर वलय पे, अगर ये वलय है आपका हाथ जो या माउंट जो है सामान्य उठे हैं, ठीक है, और शुक्र पे एक तिल है, तो ऐसे में कहा जाएगा पैसा आएगा, अच्छा आएगा पैसा, पैसे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार का यव का साइन है खड़ा, तो भी एक आज खड़ा होना चाहिए, अगर ये लेटा होगा तो पत्नी को कष्ट देगा या जीवन साथी के कारण जीवन में बड़ा कष्ट मिलेगा। अगर ये सीधा खड़ा है तो ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति राजाओं के तुल्य होगा। अगर आपके माउंट सामान्य उठे हैं, वलय बना है और जौ का साइन है, शुक्र का ये हिस्सा पूर्ण रूप से गुलाई में है, ऐसे लोग राजाओं के समान जीवन व्यतीत करते हैं, किसी का दुख ऐसे लोगों को नहीं देखा जाता। चलिए अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी कुछ अलग विषय के साथ। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।